और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी सचेत रहे। पीएम ने मंत्रियों को नसीहत दी है कि बयानबाजी से बचें और मर्यादा का भी ध्यान रखें, उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका भी ख्याल रखें। 22 जनवरी के बाद ही अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अनर्गल बयानबाजी से बचे, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहें। पीएम ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था दिखनी चाहिए, ना कि किसी तरह का अग्रेशन हो। पीएम ने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने और मर्यादा का ख्याल रखने की भी हिदायत दी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इस बात का ध्यान रखें। और इसी पर हम सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इससे बेहतर बात क्या होगी? देखिए, दो चीजें साफ है, प्रधानमंत्री जहां भी बैठ रहे हैं, अगर राजस्थान भी गए, वहां के विधायकों से मिले हैं, जिस राज्य में भी जा रहे हैं, अपने विधायकों को मंत्रियों को ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को अयोध्या से दूर रहें। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई विवादास्पद बयान न दें जिससे प्राण प्रतिष्ठा की को लेकर जो हाइप हो रहा है देश में उसको झटका लगे। तो प्रधानमंत्री की कोशिश, इसलिए कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने ये निर्देश दिया है मंत्रियों को कि आप अपने क्षेत्रों में जाएं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताएं, लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों को जरूर अयोध्या दिखाने को ले आए, लेकिन उस दिन अयोध्या से दूर रहें, अपने क्षेत्रों में रहें। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि गलत बयानबाजी से बचें और ऐसी भ्रामक चीजों को अपने क्षेत्र में गड़बड़ी ना होने दें, संदेश यही है और यही मुझे लगता है मंत्रियों को समझाया गया है। जी शुक्रिया अमिताभ आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात की अपील की गई है, तमाम मंत्रियों को यह हिदायत दी गई है कि अनर्गल बयानबाजी से बचें। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी की ओर से मंत्रियों को निर्देश दिए गए। और इसकी वजह से दुनिया भर में तमाम यात्रियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि जांच पूरी होने से पहले ही अमेरिका में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 171 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। ये रोक विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की चौथी पीढ़ी के 737 मैक्स 9 विमानों पर लगाई गई, क्योंकि पोर्टलैंड में अलास्का एयरलाइंस का जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो भी इसी पीढ़ी का है। अमेरिका में हुए इस हादसे का असर भारत में भी दिखा, क्योंकि भारत की एयरलाइंस भी बोइंग के विमानों का इस्तेमाल करती हैं। भारत में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों की जांच के निर्देश दिए। हालांकि अमेरिका में जिस बोइंग 737 मैक्स 9 विमान का इमरजेंसी दरवाजा हवा में उड़ा, भारत की कोई भी एयरलाइंस उसका इस्तेमाल नहीं करती। लद्दाख के कारगिल में पहली बार वायुसेना ने विमान को रात में उतारा। नाइट विजन डिवाइस की मदद से कमांडो ने कारगिल के रनवे पर विमान को लैंड कराने का अभ्यास किया, जो सेना के लिए बड़ी कामयाबी बताया जा रहा, क्योंकि कारगिल की ये हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। बताया गया कि इस हवाई पट्टी पर एक तरफ से ही विमान के उड़ान भरने और लैंड कराने की व्यवस्था है। ऐसे में वहां रात के वक्त किसी विमान को उतारना चुनौती भरा काम था। इतना ही नहीं, सर्दी में हो रही बर्फबारी विमान की लैंडिंग को और मुश्किल बना रही थी। वायुसेना ने कारगिल में रात के वक्त न सिर्फ विमान की लैंडिंग करवाई बल्कि विमान में सवार कमांडो ने कार्रवाई करने का भी अभ्यास किया, और इस मिशन का सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अंधेरे में पहाड़ियों के बीच सेना का वो विमान लैंड करता नजर आया। माना जा रहा है कि वायुसेना का ये मिशन उस अभ्यास का हिस्सा है जिसमें कमांडो को आपात समय में किसी भी मोर्चे पर जल्दी भेजा जा सके।